Select all, continues. Please enter the number of baggage if you check in. अच्छा ये कितने हैं दो वाले add baggage दो confirm दिल्ली गोवा ठीक है continue करो 8D है कितने If you are checking no, ये है कुछ किसी के पास शराब की बोतल शराब sports equipment battery वगैरह कुछ नहीं है ना शराब भाई बोतल नहीं है I don't have this thing ठीक है prohibited items agree agree कर तू बस ज़्यादा बकवास बात जल्दी आई हो मरियो ठीक है आई हो ओ आई हो मरियो कोई को रहा है कोई कौन आया हुए पुत्र आया हुए देखो जब प्रमोट आप तो इस प्रकार से हमने यहीं से चेकिंग वगैरह बोर्डिंग पास वगैरह कर ली है और एक और आया ये बैग हमारा सीट नंबर 8D हाँ मेरा 8E है इनका एफ ये हमारे टिकट्स वगैरह आ गए ये बैग है हाँ तो इसको अभी हम अपने बैग वगैरह में लगाएंगे और फिलहाल मित्रों हमारी जो फ़्लाइट है वो एयर एशिया की है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपने भी देखा कि हमने यहीं से अपने बोर्डिंग पास वगैरह रिलीज़ करवाए और जो हमारे साथ बैग थे वो भी हमने चेकिंग जो हमने करना था तो बैग की जो टैक्स वगैरह वो भी हमें यहीं से मिल गया सो जब तक हम ये अपने बैग में लगाते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए अभी तो आप तो वेट करने की जरूरत नहीं है हेलो नेक्स्ट बाइट के साथ मिलते हैं तो हमारे मित्र यहाँ पर थोड़ा फोटो वगैरह लेते हुए सो दे हैव अ मैरी क्रिसमस ट्री यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं तो गाइस फाइनली हमने चेक इन वगैरह कर दिया है सॉरी चेक इन तो नहीं हुआ अभी लेकिन हमारा एंट्री वगैरह हो गई है वो जस्ट एंट्री वगैरह हमारी हो गई और अभी हम अंदर आए एयरपोर्ट के अंदर सो अभी जो ये जो हमारे बैग हैं ये हमने उनको एयरलाइंस वालों को सौंपेंगे चेक इन के लिए और फिर जब वी विल जस्ट हैव दिस बैगेज विद अस इन द एयरपोर्ट सो ये हमारा पूरा एयरपोर्ट दिल्ली हालांकि मैंने एक व्लॉग पहले भी बना चुका हूँ सो आई वॉन्ट बी मेकिंग द अदर व्लॉग्स सो लेकिन जितना भी हम सफ़र यहाँ पर कर रहे हैं तो वो सब आपसे शेयर करूँगा ये हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं ये मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं तो बने रहो मित्रों हमारे साथ व्लॉग में और जब हम गोवा उतरेंगे सो आई विल बी फिनिशिंग दिस व्लॉग व्हेन वी एंटर इन गोवा स्पेशली ऑन द एयरपोर्ट फिर उसके बाद गोवा की जो व्लॉग जो मेन हम शुरू करेंगे वो हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग व्हेन वी रीच गोवा स्पेशली जब हम गोवा एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं सो तब तक बने रहिए हमारे साथ सफ़र में तो मित्रों वो है सामने एयर एशिया का बैगेज ड्रॉप तो हम अपने बैगेज वगैरह दो हैं हमारे पास वहाँ पर ड्रॉप करेंगे और चलेंगे जी सो अभी यहाँ से हम जाएंगे अंदर हेलो जी
यहाँ पर मैंने अपना बैग रखा है। हाँ जी सर, आईडी अभी आई जस्ट रिसीव इट। मिल गया जी आपको? ये जी मिल गया हमको जी अपना बोर्डिंग पास, हमने अपने बैग वगैरह सब वहाँ पर जमा करवा दिए हैं और आप घूमते हैं फिरते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं। तो इस तरफ चूँकि अभी सिक्योरिटी चेक है तो आई हैव टू स्टॉप इट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ, मैं चाहता कि यहाँ पर अलाउ नहीं है। सो वी स्टॉप इट एंड व्हेन वी डन विद द चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग एंड देन वी कैन। सो मित्रों हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, सो अभी हम अपने गेट की तरफ, बोर्डिंग गेट की तरफ प्रस्थान करेंगे। सो सफारी टाटा सफारी 37 जोड़ा किश एयरपोर्ट उपरा हा। सो स्टेशन एयरपोर्ट जी सकते हो बखरे बखरे, इतने तुम बेहिया खाई सकते हो, मैकडोनल्ड्स KFC वगैरह वगैरह। सकते हो जी इतना तुम ले ही है सेल्फ सर्विस। And then you can sit there. So फिलहाल साढ़ा कोई प्लान नहीं है, पूरा कुछ नज़ारा दिख सकते हो उसका। सो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो फ़्लाइट है वो है 12:50 पे। सो अभी हमारे पास काफ़ी समय है, सो वी कैन जस्ट मूव अराउंड हेयर एंड देयर और कुछ भी चीज़ें देखते हैं आपको दिखाते हैं। फिर से तो मैंने आपको ये दिखा ही दिया था नीचे का जो व्यू था, मेरे पास फिर से थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की लाइन है जो कि अपने गेट पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं। सो मित्रों बने रहिए मेरे साथ हमारे ब्लॉग में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लॉग है जब हम गोवा एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे तो गोवा एयरपोर्ट पर मैं ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करूँगा और उसके बाद जो नेक्स्ट शुरू होगा किधर हम जा रहे हैं किधर हम स्टे करेंगे वो सब आपसे मैं साझा करूँगा। सो बने रहिए ब्लॉग में और जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो भी आपको दिखाएंगे जी। ये सारे आसन है, देखो ये पता कौन से है, ये सूर्य नमस्कार है जी, सूर्य नमस्कार आसन। सो यू कैन सी बिहाइंड मी सूर्य नमस्कार पोजीशंस और पोस्चर्स। चलते हैं जी आगे बढ़ते हैं। अपना एज हवाई जहाज अड्डा रनवे माफ करो ते इत्थों तो यहां से हमारी फ्लाइट जो होगी वो टेक ऑफ करती है कहीं को भी। आपकी बारी कहां करेगी? हमारी करेगी सर गोवा जाएंगे हम। सो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सो सारी डोमेस्टिक लाइन जो यहां से जाती है ये टेक ऑफ ही यहां करेंगे और चलो जी। अभी समय है सो विल जस्ट सिट ओवर हियर, यहाँ पर बैठने की सुविधा पैसेंजर्स के लिए है, सो विल सिट फॉर सम टाइम हियर एंड देन विल मूव। हाँ
सो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें कॉल आएगा और फिर हम अपने विमान की तरफ प्रस्थान करेंगे। सो यहाँ पर लोग यानी कि पैसेंजर्स जो हैं वेट करते हैं। बने रहिए। ओह, जिनने दब के फ्रूट खाना है मित्रों जी, हमने फ्रूट खाने ना दब के फ्रूट। सो हम तीनों भाइयों का हो चुके हैं, अभी हम तीन भाई हो चुके हैं। सो अभी हम विमान में जाएंगे प्रस्थान के लिए, हमारा विमान तैयार है। तो जी कुछ बोलेंगे क्या? फोटो लिए आपके, काफी फोटोज लिए हैं जी आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। कस्टमर कितना सेसी की गल भी करनी हां, बस तुमने आज तो स्टेटस भारी लेना जाना ब्लैक चाहे तू बनी भाई, इन दाढ़ी नहीं बनाता प्रश्न कितने कुछ मतलब तू तेना तो बड़ी तू 10 दिन दन होते सर 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 तभी तो तेना था कस्टमर है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पूरी वो है, रिस्पेक्ट की अपन। सो वी केम ऑल द वे फ्रॉम हियर एंड वी गो टू दिस। बस थोड़े नए पलच के ऐसे अंदर हो, सारी जी फ्लाइट है वो उधर है, जिस वे नेड़े आती है तब तुम दस के पर एयर एशिया जी। जब हम एंटर करेंगे तो शायद वो हमें मना कर सकते हैं। सो जब हम बैठते हैं अपने सीट्स पे तो बातचीत करते हैं।